नचदी तू नचदी तू नच। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुशी राठी के बारे में। तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि खुशी आजकल सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। खुशी तो ऐसे वीडियो बनाती हैं जैसे उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो खुशी तो ऐसी नॉर्मल तरीके से रहती हैं, लगता है कि इन्होंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया था। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना। दोस्तों आजकल खुशी अपनी दीदी के घर पर ही रह रही हैं। वो अभी तक अपने घर पर नहीं गई हैं। तो लगता ये है कि खुशी के मम्मी पापा ने खुशी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी वजह से दोस्तों इतने दिनों से खुशी अपने घर पर नहीं गई हैं। तो दोस्तों वही बात कर लेते हैं मोहित रघुवंशी के बारे में। तो मोहित अभी तक खुशी को नहीं भूल पाए हैं। वो यही आस लगाए बैठे हैं कि उनका प्यार सच्चा है और खुशी उनके पास जरूर वापस आएंगी। की वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरी सच्चाई। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो करते स्टार्ट। मोहित उस दिन से यही आस लगाए बैठे हैं। दोस्तों मोहित ने सोच लिया कि जीना है तो खुशी के साथ, नहीं तो अब आगे की लाइफ खत्म हो चुकी है। मोहित रील्स पर खुशी की याद में ही वीडियो अपलोड करते हैं, ज्यादातर सैड वीडियो ही बनाते हैं। मोहित रघुवंशी खुशी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। कि तू थोड़ा सा सबर कर ले, इम्तिहान जारी है। पढ़ाई एक नशा है। मोहित रघुवंशी का यही कहना है कि खुशी जरूर आएगी। वही दोस्तों अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर हुआ क्या है खुशी के साथ? खुशी सच बोल रही है या फिर गलत? इन दोस्तों खुशी अब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपको खुशी को देखकर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वक्त ने सिखाया कि कभी रुकियो मत और बिना गलती के। तो आइए दोस्तों खुशी की लाइव वीडियो दिखाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं यार खुश नहीं थी, कुछ जबरदस्ती भी होती है। दीदी बताओ यार, क्या मैं खुश थी वीडियो में? सबसे पहली बात कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि खुशी अपनी खुद की आईडी चला रही है, ठीक है। और रही बात कि हम इंस्टाग्राम नहीं खेलेंगे, चाहे कितनी भी घटिया कमेंट्स कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं वहां पे आठ दिन लेके मैं मेरी बहन को वहां से ले आ सकती हूँ उसकी इच्छा से, तो अब वो जो खुशी कहेगी वही होगा। किसी में भी दम है तो आ जाना, खुलेआम चैलेंज है, खुलेआम खुलेआम। क्या पीछे से गद्दारी की जैसे चिल्ला रहे हो, जो भी कुछ बोल रहे हो, कुछ भी मर्जी है, सामने आओ, सामने आओ। हमने खुशी को आते ही फोन दिया, वहां पे क्यों नहीं दिया गया खुशी को फोन? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? तुम लोग क्या समझते हो मैंने मैं लोगों को लड़ाई करा के क्या कर लोगे? अरे हम दो बहनें एक खून है, खून। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ और है। तुम जैसे शतरंज बाजियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तुमको शर्म नहीं आई एक लड़की की इज्जत उछालते हुए अपने वीडियो में? कौन सी लड़की होगी जिसकी शादी होती तुरंत के तुरंत? सबसे पहली बात, जिस दिन खुशी ने वीडियो पोस्ट की उस दिन खुशी हमारे साथ थी पुलिस स्टेशन में, उसका फोन नहीं था उसके पास। आप लोगों को बताई गई ये बात। और एक बात, जिस दिन रात को खुशी अपने मन से पुलिस की गाड़ी में बैठी, उसके बाद उस मोहित कुत्ते के बच्चे ने मेरे हस्बैंड पे हमला कराया गया। पता है आप लोगों को? बताया गया ये बात? 50 लोग उस सयाजी होटल में भेजे गए थे, बताया गया ये बात? होटल के बाहर। वो तो होटल के बाहर कैमरा है, जाओ और जाके चेक करो, वहां जाके सब पता चलेगा। हम ये इंस्टाग्राम नहीं खेल रहे, दम है ना, उनको बोलो सामने आओ। अरे तुम लोग केस क्यों नहीं कर रहे हो? उनको पूछो जाके, बोलो केस क्यों नहीं कर रहे हैं? और मेरा फोन इतने दिनों से चालू है, वहां से एक कॉल तक नहीं आई मेरे पास। आप समझो तो सही, कोई शादी वादी नहीं थी, सारी चीजें प्री प्लानिंग थी। और पैसा वैसा कर रहे हो ना, उन लोगों ने पैसे के ही बदौलत मेरी बच्ची से पैसे के लिए इस बच्ची से शादी किया। क्या समझते हैं वो लोग? पाप है ना तो मंद है। अगर अपना काम करके पैसा कमाना पाप है ना, तो ये हमने किया है। अगर अपने परिवार की परवाह करना पाप है ना, तो ये। अरे वो सब छोड़ो, क्या बोलूं, हर चीज का प्रूफ देंगे, हर चीज का। बस आप सब से यही एक ही रिक्वेस्ट है, हमें पता है
कि हम आपको इसलिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको सारी बातें नहीं पता है। आप लोगों को भी जितनी चीजें बताई जा रही है जो वो अपनी साइड से अपने लिए बता रहे हैं, हम तो चुप है ना अभी तक। हम सब चीजें प्रूफ के साथ लेके आएंगे, उनकी तरह इंस्टाग्राम पे वीडियोस या फिर किसी के वीडियोस नहीं वायरल करेंगे हम। टेंशन मत, उसको शर्म नहीं आई रही, उसके घर पे बैठी नहीं है, यहाँ का करा यही भोगना पड़ेगा ये आज मैं, और ये लाइव शेयर करूंगी। कल को मैं मर भी गई ना तो ये लाइव रहेगी मेरे अकाउंट में, ध्यान रखना। उसकी भी बेटी है, जो जिसके साथ जैसा गटर खोदोगे ना उसी गटर में खुद ही गिरोगे, कोई नहीं आएगा गिनाने तुमको, तुमको खुद को ही गिनना पड़ेगा। और मैं ओपनली चैलेंज है, मेरे खुशी जेठू जी हमारे मम्मी पापा सबकी तरफ से, मेरी मम्मी के रो रो के हाल पूरे थे। आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि 9 तारीख को खुशी का फोटो पोस्ट हुआ है और वो इशू वहां पे वीडियोस बना रही है, शर्म नहीं आई? अब बना तू वीडियो, अब बना जाके व्लॉग बना जाके, किसने रोका है तेरे को? हम क्या आंखों से जानते हैं? आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सोचो, जिसके घर अगर मम्मी को भी तकलीफ होती है ना तो भी कोई बेटी नहीं बना पा रही है, जिसका भाई वहां पे पुलिस स्टेशन में, वो खुद आई नहीं पुलिस स्टेशन में, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इतनी 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 नौटंकी, आज उसके अपने भाई के साथ सपोर्ट में वीडियो डाल दिया, इतने दिन क्यों नहीं डाला अपने भाई के सपोर्ट में वीडियो? नहीं थी दोस्ती, नहीं थी, उनको पैसे चाहिए थे इसीलिए उन्होंने दोस्ती की थी। इवन मेरे जीजू को भी इसी बेसिस पर राखी बांधी थी शुगन गोरे ने। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आधी आधी चीजें दिखाई जा रही है, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आधी चीजें मत देखो, पूरी सवाल करिए, भाषा सही रखिए। हाँ, कुछ भी सवाल करो, टेंशन नहीं है। क्या हेमंत की कसम झूठी खाई है? मैं अगर आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊ ना तो आप लोग सोचो कि कोई अपने बच्चे के कोख की कसम झूठी खाई है। और रही बात, हेमंत जेठू जी ने खुशी को यही बोला था, जो तू चाहेगी वही करेंगे, जो तू चाहेगी वही हो रहा है। और खुशी अपने मर्जी से आई है, खुशी वहां पे झूठ बोल के आई है, क्योंकि वहां पे खुशी को कितने दिन, 6-7-8 दिन, जितने भी दिन वहां रही है वहां पे उसको फोन तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया फोन? अगर आईडी मेरे पास पहले दिन से थी तो मैं पहले दिन से यूज कर सकती थी ना, इतना तो दिमाग लगाओ यार। आप लोग कोई बच्चे तो हो नहीं कि कोई भी बच्चे हो, कुछ भी उठ के बोले जा रहे हो। खुशी जीजू नो रेड कर, भाई के सपोर्ट में वीडियो डाला बट कभी रोई तो बंदी। बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही, सच बात देखो ना सही। मतलब जिस सिचुएशन में ये कंडीशन है उस सिचुएशन में उससे सर्टिफिकेट बनवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ, इतनी जल्दी सर्टिफिकेट बनाने की क्या जरूरत थी? खुशी किस कंडीशन में आएगी वो मैं बताऊंगा, खुशी बताएगी, क्योंकि खुशी इस कंडीशन में आई, वो लाता भी नहीं, वो झूठ बोल रहा था। खुशी सिर्फ इस कंडीशन में आई क्योंकि उनके कल कोर्ट में साइन करवाने थे उनको। हाँ, वो तो खुशी ने बोल दिया था लाइव नहीं लाओगे तो कोर्ट में साइन नहीं करूंगी मैं। एग्जैक्टली यही बात थी, इसीलिए मैंने जिद किया और इसी वजह से मैंने कहा साइन नहीं करूंगी। आप लोग क्या समझते हो यार, हम एक लड़की के फैमिली वालों पे क्या बीतती है? आपके घर में सबके घर में बहन बैठी है, सबके घर में, थोड़ा सोचो तो सही। हमको क्या फॉलोवर की जरूरत पड़ी, हमको क्या जरूरत? जो खुद रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, अगर बेटी का बलिदान देके फॉलोवर बढ़ाने हैं तो हमें नहीं चाहिए फॉलोवर। नहीं, मैं आज फॉलोवर हमारे काम के बड़े हैं, आई प्रॉमिस। मुझे फॉलोवर सिर्फ सरिता जी के काम के बड़े हैं। अगर इस चीज के फॉलोवर है तो चले जाओ, क्यों ऐसे फॉलोवर की जरूरत नहीं है।